एलजी साहब खुद बैकडोर अपॉइंटमेंट से जम्मू कश्मीर में आए हैं, वो तो यही बात कहेंगे, और उनके आगे पीछे जो कहने वाले लोग हैं ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहाँ पे डेपुटेशन ले लेकर जाते हैं, उन्होंने तो चमचागिरी कर दी है। लीडर्स मानता ही नहीं, ये फेसबुक एंटरटेनर्स हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बिठा के रखे हैं, जैसे पूरे मुल्क में इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भी इन्फ्लुएंसर। मोदी जी के नाम पर आपने बहुत लिया, इस बार लोग आपसे आपका हिसाब मांगेंगे। आप जो बार बार कहते हैं पुरानी सरकार है, अब वक्त आ गया है कि अब आप लोगों को हिसाब देना पड़ेगा आपने क्या किया। बीजेपी हार रही है, बीजेपी को ये बात मालूम है, उन्हें मालूम है कि हम पंचायत का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, उन्हें मालूम है हम कॉरपोरेट का इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए इलेक्शन जो अप्रोप्रिएट टाइम कहते हैं वो अप्रोप्रिएट टाइम इनको लगता है कि होगा नहीं। पांच रियासतों में इंतखाबात का ऐलान किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से नज़रअंदाज किया गया और ये कहा गया कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। बहरहाल अभी हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद है पीडीपी से सीनियर लीडर और एक्सएमएलसी फिरदौस अहमद टाक साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, बार बार इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल पांच रियासतों में इंतखाबात का ऐलान किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अभी सही वक्त नहीं। बीजेपी जीत ही नहीं रही है, बीजेपी हार रही है, बीजेपी को ये बात मालूम है, उन्हें मालूम है कि हम पंचायत का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, उन्हें मालूम है हम कॉरपोरेट का इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए इलेक्शन जो अप्रोप्रिएट टाइम कहते हैं वो अप्रोप्रिएट टाइम इनको लगता है कि होगा नहीं। वो उन्हें मालूम है कि असेंबली इलेक्शन भी कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले वो कोई इलेक्शन हार गए, जैसे अभी करगिल में इनकी बुरी हालत हुई है, अभी तो पूरे मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शन में इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये वो तो धड़ल्ले से कह रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में 50 से ज़्यादा सीटें लेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए ये वो कौन लोग कह रहे हैं आपको, ये तो बीजेपी के यहाँ जो स्टेट के लीडर वही बोल रहे हैं, उनमें बताइए कौन राजनीतिक लीडर है, कौन पॉलिटिकल लीडर है, कौन अपने बलबूते पर लोगों के साथ काम करके वहाँ तक पहुँचा है। वो तो मोदी जी के नाम पर एमएलए बने, मोदी जी के नाम पर एमपी बने, राज्यसभा मेंबर बनिए, आप मोदी जी का नाम हटाइए और उनको कहिए आके कॉरपोरेट के इलेक्शन लड़े और जीत के दिखाएं। वो तो दलड़े से बोलेंगे ही, उनको तो मालूम है कि हमारे अपना तो पल्ले है नहीं कुछ, जो करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो करेगी संघ करेगी, उनको लोगों के हित लोगों के इंटरेस्ट को वाच करने की जरूरत क्या है। आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी भी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं रैलीज के लिए, लगता है जम्मू कश्मीर के लोग इस बार फिर से मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। देखिए इस बार लोग हिसाब लेंगे, आपने दो इलेक्शन में वोट लिया, आप पार्लियामेंट भी गए, आप असेंबली भी गए, आप म्यूनसिपलिटी काउंसिल भी गए, आप जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उसमें भी गए, मोदी जी के नाम पर आपने बहुत लिया, इस बार लोग आपसे आपका हिसाब मांगेंगे। आप जो बार बार कहते हैं पुरानी सरकार है, अब वक्त आ गया है कि अब आप लोगों को हिसाब देना पड़ेगा आपने क्या किया। आज 14 के करीब सियासी पार्टियां यहां पर धरने पर आई हैं, लेकिन एलजी साहब कह रहे हैं 80% आवाम चाहती ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात। देखिए वो एलजी साहब खुद बैकडोर अपॉइंटमेंट से जम्मू कश्मीर में आए हैं, वो तो यही बात कहेंगे, और उनके आगे पीछे जो कहने वाले लोग हैं ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहाँ पे डेपुटेशन ले लेकर जाते हैं, उन्होंने तो चमचागिरी करनी है, उन्होंने तो एलजी साहब से फेवर्स लेने हैं, उनको तो कहना है जी नहीं जी आप तो बड़ी ज़बरदस्त सरकार चला रहे हो, तो उसी वजह से एलजी साहब भी ये बातें कहते हैं। यूएलपी इंतखाबात होने ही वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी का एक डेपुटेशन दिल्ली गया और वहाँ से ये खबर आई कि यूएलबी इंतखाबात भी डेफर हो गए। क्या इतना डर बीजेपी को सता रहा है कि यूएलबी पंचायत इंतखाबात जो ड्यू होने जा रहे हैं वो भी यहाँ पे नहीं करवाए जा रहे? वो इसलिए कर नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है अगर हम यूएलबी इलेक्शन करवाएंगे हमारा पत्ता साफ होगा, आगे पार्लियामेंट के इलेक्शन हैं, उस वक्त हमें लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, जब ऑलरेडी एक नैरेटिव बन जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन भी नहीं जीत पाई तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोगों को लेकर क्या जाएंगे। कह रहे हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हम इस बार 3 सीटें लेंगे, रैना साहब क्या? अब देखिए वो क्या कहते हैं उस पर मैं क्यों जवाब दूँ, वो तो ये हालात इस तरह के हैं कि वो 3 सीटें ले पाए। उनको लीडर्स मानता ही नहीं, ये फेसबुक एंटरटेनर्स हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बिठा के रखे हैं, जैसे पूरे मुल्क में इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम है, इनका सियासत से दूर दूर तक रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर दोस्त अहमद टाक साहब थे हमारे साथ जो पीडीपी से एक सीनियर लीडर है, इनका साफ तौर पर कहना है
कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं मैं उनको लीडर नहीं मानता, वो फेसबुक इंटरटेनर्स हैं, वो बस लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं, जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात नहीं करवा सकते क्योंकि उन्हें इंतखाबात का डर सता रहा है। बहरहाल आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।